गरीब और बारिश का कहर। सुधा अपने भाई गोविंद के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। दोनों भाई बहन पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। माँ, हम स्कूल से आ गए। जानती हो आज हमें अध्यापिका ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया बेटी? माँ, जानती हो शहरों में गांव में पानी की बहुत दिक्कत होती है। हमें हमेशा पानी को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। हाँ दीदी, हमारे सर ने भी हमें यही सिखाया है। तो ठीक है गोविंद, हम इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे और बाकी लोगों को भी बताएंगे। हाँ दीदी। दोनों होशियार बच्चे अगर किसी को पानी बर्बाद करते हुए देखते तो उसे जरूर टोकते। अरे राजू, क्या कर रहा है? आधी बोतल पानी पीकर आधा पानी यूं ही जमीन पर बिखेर दिया। इससे अच्छा किसी पौधे पे डाल दिया होता। ये गलत बात है। अरे अरे सीमा, तुमने नलका क्यों बंद नहीं किया? वो देखो गोविंद, कितने सारे लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। इन्हें पानी की कोई कदर नहीं। हाँ दीदी, मगर ये तो गलत है ना? हाँ, भगवान इन्हें माफ करना और इनको सद्बुद्धि देना। बेचारे दोनों बच्चे बच्चों को तो समझा लेते थे, लेकिन यही बात वो बड़ों को समझाने में असमर्थ थे। एक दिन उन्होंने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, आधा घंटा हो गया आपके नलके से पानी गिरता ही जा रहा है, ऐसा क्यों? अरे चुप कर छुटकी, तुझे क्या लेना देना मेरा पानी में जो मर्जी करूं। चाचा जी, आप गलत कर रहे हैं। मैं छोटी हूँ, इसीलिए आपने मुझे चुप करा दिया ना। बच्चे चुपचाप अपने घर लौट जाते हैं। एक रात को तेज तूफान आता है, बारिश होती है और बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस तबाही में सुधा और गोविंद का घर बढ़ जाता है। लेकिन पानी के बहाव के साथ एक छोटा सा संदूक उनके घर के अंदर चला आता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर सोने चांदी और हीरों की अशर्फियां होती हैं। यह देखकर सारा घर हैरान रह जाता है। अजी देखो, इतना सारा सोना। हे भगवान, ये क्या, हमारी तो गरीबी दूर हो गई। सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहीं सुधा के चाचा का घर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। अरे हम तो बर्बाद हो गए सुधा की माँ, देखो मेरा घर कैसे टूट गया है। चाची, आप लोग पानी की बर्बादी करते थे, आज पानी ने आपको बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहते हैं पानी को भगवान समझना चाहिए। हाँ बेटी, तूने तो बहुत समझाया, हम ही ना समझे। आज के बाद पानी की बर्बादी नहीं करूँगी। हे इंद्रदेव, हम पर कृपा करो, हमें माफ करो। सुधा समझदार थी, उनका घर तो बच गया, लेकिन बाकी सभी लोगों को पानी की बर्बादी ना करने की सीख मिल गई थी। सोने के मटके वाला कुम्हार। चमन एक गरीब कुमार था। वह अपना बेटी सोनम और पत्नी राधिका के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव-गांव जाकर बेचता था। उसका बेटी सोनम अभी शादी के लायक हो चुकी है। उसे अपनी बेटी की शादी की चिंता हर वक्त सताती रहती थी। क्या हुआ जी, आप बड़ी सोच में पड़ गए हैं? कहीं आप सोनम की शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? अभी मैं क्या करूं राधिका, हमारे गांव में सोनम की उम्र वाली सभी लड़कियों का शादी हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इसकी रिश्ता किसी अच्छे घर में दें। ऐसा सोचते सोचते वह जंगल में मिट्टी लाने के लिए वह अपनी टोकरी लेकर चला जाता है। वह मिट्टी लेके गांव के ओर चल पड़ा कि इतने में उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है। वह दर्द सह नहीं पाया और आगे बढ़ ना सका। ऐसा वह टोकरी एक पत्थर के ऊपर रखकर उसी पत्थर पे बैठ जाता है और अपने पैर से कांटा निकालता है। दिन भर काम करके थकने की वजह से चमन को एक पल के लिए झपकी लग जाती है। कुछ देर बाद चमन को जोर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है तो वह डर के मारे खड़े हो जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर नहीं है बल्कि किसी का कब्र है। मैंने बहुत गलती कर दी। कौन है वहाँ, कौन है? मैंने सुना था कि कब्रों पर भूत का साया होता है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ से
तेज हवाएं चलने लगती है और फिर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। कुछ सोचे बिना चमन अपनी मिट्टी के टोकरी को लेकर भागने लगता है और सीधा घर आकर रुकता है। उसकी पत्नी देखकर, अजी क्या हुआ, आप बहुत घबराए हुए लगते हैं। क्या बोलूं राधिका, अभी कब्र वाला भूत मेरे पीछे पड़ गया है। किसी तरह जान बचाकर मैं यहाँ तक आ गया हूँ। चमन सारी बात अपने बीवी को बोलता है। तभी उसकी बीवी की नजर मिट्टी के टोकरी पर जाती है जो सोने की तरह चमक रही थी। ये क्या है जी, सोने की मिट्टी? मुझे लगता है वो कोई जादुई कब्र है। अगर हम इस सोने की मिट्टी से घड़े बनाकर बेचें तो हमारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। चमन और राधिका उस सोने की मिट्टी से एक घड़ा बनाकर उसे अगले ही दिन सेठ जी के पास लेके जाते हैं। सेठ जी उस घड़े को देखकर, ये क्या है चमन, ये तो सोने का घड़ा लग रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी बस आप इसका कीमत लगाकर मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मैं अपनी बेटे की शादी करवा दूंगा। सेठ जी चमन को कीमत लगाकर ढेर सारे पैसे देते हैं, उससे अपने बेटे की शादी धूमधाम से करवाता है। कभी कभी उस जादुई कब्र को शुक्रिया अदा करने जंगल में भी चला जाता है। मैजिकल मिनी मैच बॉक्स। कई साल पहले रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा मैच बॉक्सेस तैयारी करने वाला एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में कई तरह के मैच बॉक्स बनाते थे। उस फैक्ट्री में दामोदर नाम का एक आदमी काम करता था। वह हर रोज कुछ खाली मैच बॉक्स के डिब्बे घर ले जाकर अपना बेटा सूरज को देता था। उन्हें लेते हुए सूरज बोला, अरे वाह पापा, मैं इन मैच बॉक्सों के साथ कुछ न कुछ बनाऊंगा। सूरज उन खाली डिब्बों के साथ कई तरह के खिलौने जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक बनाता था और उन्हें स्कूल ले जाकर अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन सूरज मैच बॉक्स बस बनाता है और उसे स्कूल ले जाकर क्लास के बाहर छोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद देखा तो वहाँ पर बस नहीं था। अरे मेरा बस खिलौना यहाँ नहीं है, लगता है कोई उसको चुरा लिया है, मैं जाकर ढूंढता हूँ। ऐसा सूरज स्कूल के बाहर इधर उधर ढूंढने लगा। फिर अचानक उसका मैच बॉक्स बस बिना खींचे उसके ही तरफ आती रहती है। जब उसने उस खिलौने को ऊपर उठाकर देखा तो वह चौंक जाता है। उस बस के अंदर दो लिलीपुट्स थे। आप कौन है और मेरे बस में क्या कर रहे हैं? सूरज, हम जादुई लिलीपुट के देश से हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। आखिर क्या हुआ, जरा बोलो तो सही। नहीं, आपको हमारे देश आना ही होगा, तभी आपको हमारा दुख पता चलेगा। ऐसा उस बस के पीछा करते हुए सूरज लिलीपुट राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा तो वहां के राज्य के लोगों को पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उनके पास नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती करने के लिए भी पानी नहीं था। तभी उस राज्य के राजा वहां पर आया। सूरज, मैंने ही आपको इधर लाने के लिए मेरे राज्य वालों को भेजा है, क्योंकि आपको तरह तरह के मिनी वाहन बनाना आता है ना, इसीलिए आपको ही कुछ तरीके निकाल कर हमें मदद करना है। सूरज से उनका दुख देखा नहीं गया। तुरंत वह एक आइडिया निकालता है। राजा जी, मैं कुछ न कुछ करके मिनी मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंक, लॉरी बना दूंगा, लेकिन इधर से नजदीक कोई नदी है क्या? बेटा, इधर से कई किलोमीटर दूर एक नदी है, लेकिन उसका सारा पानी समुद्र में चली जाती है। ये बात सुनते ही सूरज मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंकर्स, लॉरी, वाटर बोरिंग ड्रिलिंग ट्रक्स और कार्स, बसेस सभी बनाता है। उस टैंकर्स के साथ पानी नदी से लेकर लिलीपुट के राज्य में पहुंचाया। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा जी,
मैं आपके राज्य में डैम्स रिजर्वायर्स का निर्माण भी करूंगा। आपको आगे जाकर पानी की कमी नहीं होगी। राजा उसके काम से बहुत खुश होकर बहुत सारा सोना और हीरे देता है, जिसे वह घर लाकर अपने पापा के साथ खुशी खुशी से रहने लगा।